नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रयागराज ऑफिशियल अपडेट में। आज मैं आप लोग को दिखाने चल रहा हूँ रामबाग रेलवे स्टेशन पे निर्माण कार्य। आप लोग जानते होंगे कि माघ मेला आ रहा है तो पूरा शहर को डेवलप किया जा रहा है, तो जितने भी स्टेशन वगैरह हैं, क्योंकि लोग बाहर से आएंगे तो ट्रेन के माध्यम से फ्लाइट के माध्यम से आएंगे, तो सबसे पहले स्टेशनों को डेवलप किया जा रहा है, उसके बाद शहर में जो कार्य होंगे उनको डेवलप किया जा रहा है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को स्टेशन वगैरह का दिखा रहा हूँ और जो अलग अलग जगह का निर्माण कार्य चल रहा है उसका वीडियो दिखा रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने रामबाग स्टेशन का काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने सोचा आप लोग को दिखाते हैं कि रामबाग स्टेशन पे कहाँ तक काम पहुँचा है या क्या काम पहुँचा है। तो चलिए बैक कैमरे से आप लोग को पूरा वीडियो दिखाते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कोई अगर नई जगह का काम चालू हुआ हो प्रयागराज में तो कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए बैक कैमरे से आप लोग को पूरा रामबाग रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य दिखाते हैं, पहले क्या था और अब क्या तोड़ के बनाया जा रहा है वो सब पूरा वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हैं। सामने दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे प्रयागराज रामबाग, जो कि इसको पहले इलाहाबाद सिटी के नाम से जाना जाता था, तो जैसे ही इलाहाबाद नाम चेंज हुआ प्रयागराज रखा गया, तो प्रयागराज के बाद इसका भी नाम चेंज हो गया, प्रयागराज सिटी नहीं रखा गया था बल्कि इसका नाम प्रयागराज रामबाग रख दिए, क्योंकि जो इसका आसपास का एरिया है उसको रामबाग बोलते हैं। तो ऐसे आसपास के कई स्टेशन है, जैसे कि आप तेलियरगंज की तरफ जाएंगे तो जब वहाँ पे प्रयाग जंक्शन रखा गया है तो कई लोग उसको प्रयागराज जंक्शन समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये फ़िलहाल आखिरी शोर है, यहाँ पे वर्तमान समय पे 6 प्लेटफॉर्म हैं और जिसमें कि 2-3 प्लेटफॉर्म का निर्माण चल रहा है। और सामने आप एक ट्रेन देख रहे होंगे जो कि एक मुजफ्फरपुर बिहार की ट्रेन है, ये रामबाग से चलती है मुजफ्फरपुर के लिए। और ये सामने आप ओवरब्रिज देख रहे होंगे, ये देखिए ओवरब्रिज, इसको अभी हाल ही में तोड़ा गया है, तोड़ के इसको दोबारा से डेवलप किया जाएगा। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे जितना भी मतलब सारा मलबा है उसको हटा दिया गया है और जो लोहे का बचा हुआ था बचा मटेरियल वो भी साइड में रख दिया है, तो इसका निर्माण काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ये देखिए आप लोग को बाहर की तरफ ले चलते हैं, दिखाते हैं बाहर की तरफ क्या डेवलप हो रहा है। यहाँ पे आप आएंगे तो अनारक्षित टिकट मिल जाएगा, 4 काउंटर है यहाँ पे। और इधर साइड में इलेक्ट्रिक का भी है। ये देखिए दोस्तों, इस सामने पार्किंग का बनाया जा रहा है, यहाँ पे पार्किंग के लिए डेवलप किया जा रहा है। ये देखिए
कुछ पार्किंग का एरिया अभी डेवलप कर रहे हैं और कुछ शायद यहाँ पे काउंटर वगैरह भी शायद शिफ्ट करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बनारस की ट्रेनें यहीं से चलेंगी, प्रयागराज रामबाग से ही, तो टिकट काउंटर यहीं बनाया जाएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर निर्माण चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, प्रयागराज रामबाग का बोर्ड और मेन गेट एंट्री करने के लिए इधर से है। ये देखिए कुछ प्लेटफॉर्म नंबर एक पे कुछ इस प्रकार का है। और ये एक पैसेंजर ट्रेन है जो कि रामबाग से चलती है बनारस के लिए। दोस्तों इधर आप देख सकते हैं, इधर प्लेटफॉर्म आगे कुछ बढ़ाया गया है, पहले यहाँ तक था, जहाँ से ईटा आप देख रहे हैं यहाँ से प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया गया हुआ है, क्योंकि ट्रेन आगे तक लगती थी। कहने का मतलब है कि ट्रेन जो आप देख रहे हैं आखिरी छोर वहाँ तक उसका इंजन ज़्यादा था, बाकी जो कभी कभार एसी कोच आगे लग जाता था, कभी कभार जनरल कोच आगे लग जाता था, तो उन लोगों को बैठने में दिक्कत होती थी और सामान वगैरह ले जाने में दिक्कत होती थी, तो इसलिए इसको ऊंचा करके आगे बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ आप ये पाइप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक पोल है मे बी शायद, क्योंकि अभी तो जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है कोच, उसका कोई पिलर का दिख नहीं रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक का ही दिख रहा है, समझ में आ रहा है। वैसे जैसे डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे आप लोग को वीडियो देखने को मिल जाएगी। और सामने से जो आप लाइन देख रहे हैं ये आप ज्ञानपुर वाराणसी की ओर चले जाएगी, और वहीं इधर आप चले जाएंगे तो प्रयागराज जंक्शन की ओर मिल जाएगी। यहाँ से 1 किलोमीटर है प्रयागराज जंक्शन, आप पैदल भी जा सकते हैं 1 से 1.5 किलोमीटर। वर्तमान समय पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ काम चल रहा है, चलते हैं वो भी दिखाते हैं आप लोग। दोस्तों हम लोग अभी आप लोग देख सकते हैं मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 की तरफ हूँ और इधर 5-6 का निर्माण कार्य चल ही रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीवार का उठाने का काम चल रहा है और यहाँ पे मिट्टी डाल करके इसको ऊंचा किया जा रहा है। दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरब्रिज ये नया बनाया गया हुआ है, आगे से देख सकते हैं निकाला गया है, और सामने आप देख पा रहे होंगे प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे मिट्टी खोदा गया हुआ है, अब उसके अंदर गिट्टी डाल करके ये भी शायद पक्का किया जाए। फिलहाल के टाइम पे अभी इतना काम चल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए और नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए जो भी आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे शेयर करिए, ताकि लोगों के पास वीडियो जाए और लोगों के पास जानकारी पहुँचे।